Hello, my dear students. I am Mukesh Tilwani, Assistant Professor in MLB Textile and Engineering College, Bhilwara. The subject is Design of Element 2nd, and today's topic is Design of a Spring Against Fluctuating Loading. Design of a Spring Against Fluctuating Loading. In earlier lecture, we have learned about the design of helical springs for static loads. In many applications, as for example in railway carriage, in automobile suspension system, the helical spring used are constantly under variable load. जैसे कि हमने बाकी mechanical components में देखा है, machine components में देखा है कि fatigue consideration किया जाता है क्योंकि वहाँ पे variable load application होता है. ऐसे ही स्प्रिंग में भी वेरिएबल लोड एप्लीकेशन होता है. जैसे कि ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में हम देख सकते हैं, गाड़ियों में हम देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकर आता है वहां पे जो लोड होता है वो कांस्टेंट लोड नहीं होता है, वो वेरिएबल लोड होता है. इसलिए हमें स्प्रिंग के डिजाइन में भी वेरिएबल लोड को कंसिडर करना पड़ता है, मतलब फटीग कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑल्सो एप्लीकेबल. Hence, it is understood that whenever there is a variable load on the spring, the design procedure should be include the effect of stress variation in spring wires. Effect of stress in spring wires. The methodologies we used were as Soderberg method. We have discussed in classes the Soderberg method for fatigue consideration. In case of a spring, whether it is compression spring or extension spring, the reverse load is not possible. जैसे कि यहाँ पे रिवर्स लोड पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हम दो प्लेट हैं, दो प्लेट के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर उसमें कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जाता है तो कंप्रेसिव लोड में वेरिएशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि दो प्लेट के बीच में स्प्रिंग है और उसमें कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें एक्सपांशन भी हो सके, तो ये पॉसिबल नहीं है. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने जानते हैं कि कंप्रेसिव स्प्रिंग में कंप्रेसिव लोड एप्लीकेशन ही वैलिड है, और टेंसाइल फोर्स ही पॉसिबल है. इसीलिए यहाँ पे रिवर्स लोड का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा. यहाँ पे कंसेप्ट है रिपीटेड लोड का. रिपीटेड लोड मतलब अगर कंप्रेशन है तो वेरिएशन इन कंप्रेशन, अगर टेंसाइल है तो वेरिएशन इन टेंशन. दिस इज अ रिपीटेड लोड ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस टाइम. रिपीटेड लोड में क्या होता है कि यहां तो मैक्सिमम होता है स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस जीरो होता है. स्ट्रेस कभी भी अगर स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है, जैसे कि या तो फिर अगर टेंसाइल है तो टेंसाइल ही रहेगा, या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी. अगर स्ट्रेस अगर नेगेटिव है, दैट मींस अगर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव ही रहेगा और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी. तो रिपीटेड लोडिंग में हमें ऐसा सिस्टम मिलता है. दिस इज अ रिपीटेड लोड कर्व. इन रिपीटेड लोड द टाउ मैक्सिमम और टाउ मिनिमम क्या होता है, टाउ मिनिमम होता है जीरो. नाउ यहां पे दिस इज अ एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज अ मीन स्ट्रेस. स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय टू, एंड मीन स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय टू. जैसे ही हम टाउ मैक्सिमम की वैल्यू पुट करते हैं, टाउ मिनिमम की जीरो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमें रिपीटेड लोडिंग में हमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलती है, विच इज टाउ मैक्सिमम डिवाइड बाय टू. और फॉर फटीग डिजाइन वी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एंड्योरेंस लिमिट, देयरफॉर टाउ मैक्सिमम डिवाइड बाय टू वुड बी कंसिडर एज टाउ ई डिवाइड बाय टू. टाउ ई के साथ हम लोग स्ट्रेंथ के साथ
फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं डिवाइड बाय डिवाइड करके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी फैक्टर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है उसको स्ट्रेंथ के साथ डिवाइड किया जाता है, अगर फैक्टर की वैल्यू लेस देन वन है तो स्ट्रेंथ के साथ इंटू किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ मीन इज इक्वल टू टाउ ए इज इक्वल टू टाउ ई अपॉन टू इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सोडरबर्ग फेलियर क्राइटेरिया, सोडरबर्ग क्राइटेरिया में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वर्सेस मीन स्ट्रेस डायग्राम। अगर हमें यहाँ पे गुडमैन क्राइटेरिया भी इंक्लूड करना है तो गुडमैन क्राइटेरिया कुछ ऐसे रहेगा, दिस विल बी द गुडमैन क्राइटेरिया, और अगर गड़बड़ पैराबोला इंक्लूड करना है तो गड़बड़ पैराबोला ऐसे रहेगा। पर स्प्रिंग के केस में हम डिजाइन करते हैं, सोडरबर्ग के केस में डिजाइन करते हैं, मतलब यील्ड स्ट्रेस पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। जब अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड नहीं किया है तो दिस लाइन इज विल बी द सोडरबर्ग लाइन। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करेंगे तो न्यू पोजीशन हो जाएगी सोडरबर्ग लाइन की, ये वाली लाइन हो जाएगी। ओके, सो फ्रॉम ग्राफ वी फाइंड दिस सिमिलर, जैसे कि हम देख सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए ई डी, सिमिलर ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी से, ट्राइंगल ए बी सी से देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइंगल टाउ ए क्या है, ये देखिए टाउ ए डिवाइड बाय दिस, ये क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे अगर यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू टाउ वाई डिवाइड बाय एफ ओ एस है, तो मतलब यहाँ पे हमें जैसे कि ये ए और ये पॉइंट ई है, तो हमें जो डी ई मिलेगा, डी ई मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी ई मिलेगा ए ई माइनस ए ए डी। तो ए ई क्या है, दिस वैल्यू इज ए ई एंड दिस वैल्यू इज ए डी, कैसे ए डी, ये आपकी टाउ मीन, टाउ मीन देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से, ए डी इज इक्वल टू टाउ मीन, सो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ वाई डिवाइड बाय एफ ओ एस माइनस टाउ मीन इक्वल टू, अगर ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो ट्राइंगल ए बी सी में इसके करेस्पॉन्डिंग दिस मतलब लाइन ए सी डिवाइड बाय लाइन बी सी, लाइन ए सी डिवाइड बाय लाइन बी सी। अब वैल्यू ऑफ ए सी क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है टाउ ई डिवाइड बाय टू कॉमा टाउ ई डिवाइड बाय टू, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ ई डिवाइड बाय टू, और जो बी सी है, बी सी की वैल्यू मतलब बी सी क्या है आपका, ये बी सी है, ये बी सी है, तो हमें बी सी निकालना है, तो बी सी निकालना है तो बी सी की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल ए स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए स्मॉल सी। तो ए बी हमें पता है, कैपिटल ए बी क्या है टाउ वाई, तो टाउ वाई यहाँ पे दिख रहा है, ए बी की वैल्यू टाउ वाई, और ए सी की वैल्यू टाउ ई डिवाइड बाय टू, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स टाउ ई डिवाइड बाय टू, टाउ ई मतलब एक्स एक्सिस में टाउ ई डिवाइड बाय टू दिस, और वाई एक्सिस में टाउ ई डिवाइड बाय दिस, सो ए सी विल बी द टाउ ई डिवाइड बाय सिक्स, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ y माइनस टाउ e डिवाइड बाय टू। जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं उस इक्वेशन को, हमें से इक्वेशन ऐसी मिलती है, दिस इज अ इक्वेशन फॉर सोडरबर्ग लाइन इन केस ऑफ स्प्रिंग बाय कंसीडरिंग द फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। द अबव इक्वेशन इज फर्दर मॉडिफाइड बाय कंसीडरिंग द शियर करेक्शन फैक्टर Ks एंड वॉल करेक्शन फैक्टर Ky। अगर हम के एस और के डब्ल्यू कंसिडर करते हैं
तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, केएस किसके साथ कंसीडर किया था, शेयर स्ट्रेस। ये स्टैटिक कंडीशन में केएस कंसीडर किया जाता है, और जब भी कर्वेचर इफेक्ट होता है तो के डब्ल्यू फैक्टर इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए टाउ मीन, जैसे कि हम जानते हैं कि टाउ मीन स्टैटिक स्ट्रेस है, तो ये फैक्टर इंक्लूड किया जाएगा टाउ मीन के साथ, केएस इंक्लूड किया जाएगा टाउ मीन के साथ। और टाउ ए जो है, टाउ ए है वेरिएबल लोडिंग, वेरिएबल लोडिंग है इसकी, वेरिएबल लोडिंग है, इसलिए जो वॉल फैक्टर है, कर्वेचर इफेक्ट है, वो कंसीडर किया जाता है टाउ ए के साथ। तो फाइनल हमारा जो सोडरबर्ग लाइन इन केस ऑफ स्प्रिंग डिजाइन ऑफ स्प्रिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग विल बी दिस। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल में आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर कोई भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।